हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ बताया है कि क्या सिलेबस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या पेपर का पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, उन सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स हैं, कि क्या सिलेबस है। मैंने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ऐड किया है, मार्किंग स्कीम क्या है, कट ऑफ क्या आता है, हॉस्टल का कट ऑफ क्या आता है, और कैसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे आपको, और कैसे पूरी तैयारी करनी है, इसकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस दी है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी मैंने पहले डिस्कस किया है कि कितनी सीट्स हैं। तो ये आपकी 460 सीट है मेन कैंपस में, 77 सीट है MMV जो कि गर्ल्स के लिए होता है, तो 77 सीट गर्ल्स के लिए अलग से है। तो आइए फिर बात करते हैं पेपर पैटर्न की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हैं, जिसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 मैथमेटिक्स के होंगे। मार्किंग स्कीम 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर और -1 मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर। इट मीन आपका मतलब मेरा मतलब यह है कि एक नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है। इनडायरेक्टली ये कहूँ कि 3 गलत क्वेश्चन करने पे आप अपने एक सही क्वेश्चन का मार्क्स लूज कर देंगे। आगे आप बात करते हैं इंडिविजुअल साइज, जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें आपको पढ़ना क्या है इंडिविजुअल, यह डिस्कस करते हैं जी। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जी, फिजिक्स में आपको जनरल फिजिक्स तो मस्ट आपको आनी चाहिए, हालांकि आएगी क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, और मैं ऐसे जनरली बता रहा हूँ। जनरल फिजिक्स जो कि आपने 9th-10th में पढ़ी है, और कुछ अलग से फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, फिजिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो 11th-12th का सिलेबस तो पूरा होगा, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो आपके 11th-12th का सिलेबस से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, लेकिन 9th-10th का भी क्लियर होना चाहिए एक बार। बेसिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल हैं क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ जनरल फिजिक्स भी प्रिपेयर होनी चाहिए। सेम ऐसा ही केमिस्ट्री में भी है, जनरल केमिस्ट्री आपको तैयार होनी चाहिए। क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है वो पूरा कॉपी होगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स में देखिए क्वेश्चंस जनरल मैथमेटिक्स 10th क्लास के बहुत बनते हैं, काफ़ी बनते हैं, और कई बार तो ज़्यादा परसेंटेज में आए हैं इन कंपेयर टू 11th-12th के, और कभी कभी तो 11th-12th भी अच्छे से आ जाता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पे, और 11th-12th का सिलेबस इसमें कॉपी होगा। 12th का मेनली, क्योंकि 12th में आप देखेंगे मेजर पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन मैथ के हैं। मैंने देखा सब में लिखा है NCERT, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि NCERT को आप प्रेफर करेंगे अगर साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी एक पढ़ने जाते हैं तो NCERT सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर बेसिक कंसेप्चुअल आप नॉलेज के लिए। तो आपको अगर अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज और अच्छी अच्छी जानकारी इकट्ठा करनी है तो NCERT इज़ द बेस्ट सोर्स। सो NCERT आप लोग CBSE बोर्ड वाले तो NCERT से ही पढ़े हैं, मैं अदर बोर्ड को भी प्रेफर करूँगा कि NCERT, और आप अपने ही बोर्ड की बुक में कंफर्ट जोन में हैं तो इट्स ओके। नॉलेज नॉलेज होती है, कहीं से भी लें आप, किसी भी बुक से लें। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऐड किए हैं सब्जेक्ट चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, लॉज ऑफ मोशन ऑन ग्राफ्स, ग्राफ ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, ऑल ग्राफ्स 11th-12th सब में कुछ, जैसे सेमीकंडक्टर में भी कुछ ग्राफ मिलते हैं आपको, कि फिर उसके बाद आपको ऑल ग्राफ्स में मैंने कहा है कि जितने भी ग्राफ आपको VT UT ग्राफ, स्पीड के, लॉज ऑफ मोशन में मैंने जैसा बताया उसको डिस्कस कर लेंगे। डायमेंशन फार्मूला जो आपने 11th में पढ़ा है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा आपको उसमें, वन लाइनर न्यूमेरिकल जैसे कि जिस तुरंत फार्मूले पे आ जाए, या फिर जैसे कि ऑप्टिक्स पढ़ा तो उसमें डायरेक्ट आई, ये आपको डिस्टेंस फॉर्म, उसमें जो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ये जनरल जनरल फार्मूले से इजी इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। एटम न्यूक्लियाई कम्युनिकेशन सिस्टम ये लास्ट में दिया है 12th में, इसको जरूर पढ़ लेंगे, थियोरेटिकल है। डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन सारे डिवाइस पढ़ लेंगे, आ जाता है क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ होता है, तो ये टॉपिक तो आप क्लियर करेंगे अगर सिलेबस तो ये क्लियर हो ही जाएगा। लॉज जितने हैं साइंटिस्ट के नेम पे वो जरूर क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में आते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ अलग अलग मॉलिक्यूल्स के सबके, आपको केमिकल फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं मोल्स से, तो मोल्स को ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। रिएक्शन एंड इक्वेशंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जरूर देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड रिएक्शन की देखे आपको अगला पूछ लेता है। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स जो कि लास्ट में 12th में दिए हैं थेरेटिकल हैं, अच्छे अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इससे। लॉज ऑन द नेम इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जरूर याद देख लेंगे, फोकस करेंगे 12th पे क्योंकि आप जानते हैं केमिस्ट्री में जो जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लाइक वन वर्ड ये सब आपको 12th में ही ऐसे चैप्टर हैं। पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज आप 8th 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं तो कवर कर लेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड जरूर देख लेंगे कैसे कैसे प्रॉपर्टीज डिक्रीज इंक्रीज होती है, क्यों होती है, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेंगे। और कैटलिस्ट के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, आ जाता है कैटलिस्ट छोड़ देता है, कहता है कौन सा कैटलिस्ट एप्रोप्रिएट होगा चूज़ करें। एटम आइसोटोप आइसोटोन्स एटम के बारे में केमिस्ट्री जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आइसोटोप आइसोटोन्स ये सब क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं आते हैं क्वेश्चन से। अब आते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक और कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऊपर के दो प्रोबेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी पढ़ा है 12th में भी पढ़ा है। 3D एंड वेक्टर आपको बारहवीं में टोटल फार्मूले पे होते हैं। सीक्वेंस सीरीज एज अ मेंटल एबिलिटी रीजनिंग क्वेश्चन भी ऐसे तो इसका आना तय रहता है, मेनली फोकस ऑन 10th एंड 12th मैंने पहले कहा है। और ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा है 9th में पढ़ा है 12th में पढ़ा है 11th में भी थोड़ी पढ़ी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, कई सारे बनते हैं क्वेश्चन इससे। और मैथ की अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं नए अभी नया ट्रेंड देखना है क्वेश्चन का तो अभी भी जो NDA का पेपर हुआ है 22 तारीख को उसका क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपको ट्रेंड का एहसास हो जाएगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो टाइप है वो NDA से पूरा मैच करता है, उतना ही टाइम मिलता है और उतने उस वही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है तो NDA का अभी नया पेपर 22 अप्रैल को हुआ है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और भी अगर आप अपना सारा पेपर सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस मॉडल तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्या पता कोई हेल्प हो जाए आपकी। आते हैं बात करते हैं कट ऑफ्स की, पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 191, OBC की 164, SC की 107, ST की 66, तो मैंने रेंज तैयार की 180 से 200 लाइए आप जनरल वाले, 160 से 180 OBC, SC ST 70 से लेके 130 तक सेफ होगा, 70 से लेके 100 110 120 भी सेफ है। हॉस्टल कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर होता है, जनरल वालों के लिए 200 प्लस होगा, आप 200 प्लस और 230 के अंडर आइए जरूर मिल जाएगा। OBC के लिए ये मैं सिक्योर बता रहा हूँ हाईएस्ट, हाँ इतना आ जाए तो कंफर्म है। OBC के लिए 200 मार्क्स 190 से 200, SC ST के लिए 130 से 150 ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 130 तक भी हो जाएगा। ST वालों के लिए और कम 100 120 110 इज़ मोर देन इनफ। आते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जब एडमिशन लेंगे, आइए देखते हैं। फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक ज्योग्राफी जियोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस ये IP कंप्यूटर साइंस। और एक्स्ट्रा टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप BHU की बुक आती है अरिहंत वाले जो बनाते हैं काफ़ी अच्छी बुक होती है काफ़ी सक्सेसफुल बुक है, तो उसमें जितने भी आगे 4 प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं कुछ मॉडल पेपर दिए हैं सारे एकदम 2-3 बार लगा लीजिए, क्योंकि 5 4 5 प्रीवियस ईयर पेपर
और मॉडल पेपर लगाने का मतलब है आप करीबन 150-200 क्वेश्चन कर लें। एक बार क्वेश्चन को रटना नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन से एक बार जब पास हो जाएंगे आप तो आपको एग्ज़ाम में जैसे आएगा आपको किक कर जाएगा, तुरंत टिक कर जाएगा आप दिमाग में, आप कर लोगे। बुक ज़रूर खरीद लें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो ये था मेरा वीडियो गाइस, तो आई होप आपको इससे बहुत मदद मिली होगी, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो और गाइस ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।